हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोग को काम को लेके, तो भी प्रॉब्लम आप दूर कर दे रहा हूँ कुछ परसेंट। ठीक है, आज फिर वैकेंसी आया है। जो भी भाई यूपी बिहार और मुंबई से देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखना। ठीक है, कुछ वैकेंसी आया है तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मास्को मल्टीनेशनल कंपनी है सऊदी अरबिया के लिए। ठीक है, क्लाइंट इंटरव्यू है, सिवान में क्लाइंट इंटरव्यू है। बाकी मैं नंबर दे दूंगा, कहाँ पे इंटरव्यू है, क्या है, सारा सिस्टम मैं दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट सुनिए, कितना क्वांटिटी में कितना आदमी चाहिए, किस काम के लिए है। ठीक है, बुलडोजर ऑपरेटर चाहिए 50 आदमी। ठीक है, जो भी भाई बुलडोजर चलाते हैं वो देख सकते हैं, 50 आदमी चाहिए। 1300 से 1700 सैलरी है। ठीक है, खाना कंपनी का, सब में खाना कंपनी का है। ठीक है, मैं सिर्फ क्वांटिटी और सैलरी बता रहा हूँ। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए 50 आदमी, 2000 से 2300 तक सैलरी है। ठीक है, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सैलरी क्लाइंट लगा रहा है। ठीक है, पोकलाइन ऑपरेटर चाहिए 150। ठीक है भाई, पोकलाइन ऑपरेटर चाहिए 150। ठीक है, ये वीडियो मैं जल्दी में शूट कर रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन में इंटरव्यू है इसका। ठीक है, हो सकता है आज या कल मैं डाल दूँ, तो आप लोग बने रहिए। एक्सुएटर ऑपरेटर है 50 आदमी, 1200 से 1800 सैलरी है। आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना करंट इंटरव्यू लगा, इंटरव्यू देने के बाद कितना पैसा वो सैलरी लगाता है। ठीक है, यह सारा ऑपरेटर का है। ठीक है, जो भी भाई ऑपरेटर ड्राइवर है वो देख सकते हैं। ठीक है, सारा चीज ऑपरेटर का है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर हो गया। रोलर ऑपरेटर चाहिए 60 आदमी चाहिए, रोलर ऑपरेटर। इनका सैलरी है 1000 से 1100 तक। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग देखते तो है नहीं। क्रेन ऑपरेटर चाहिए 1500 से 1800 सैलरी है। ठीक है, खाना है कंपनी का, क्रेन ऑपरेटर। फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए 50 आदमी, 1000 से 1200 सैलरी है। ठीक है, टेलर ड्राइवर चाहिए 70, 1000 से 1300 सैलरी है, प्लस 150 खाने का है। डंपर ड्राइवर चाहिए 100 आदमी, 1000 से 1300 सैलरी है। वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्लाइंट सैलरी लगाएगा। ठीक है, वाइट ड्राइवर वाटर टैंक का चाहिए, ठीक है, 70 आदमी चाहिए, 1000 सैलरी है, 1000 से 1200 सैलरी है। मैकेनिक चाहिए 50 आदमी, 1600 से 2000 सैलरी है। ठीक है, ट्रक मैकेनिक चाहिए 50 आदमी, 1400 से 1700 सैलरी है। जो भाई फ्रेशर है वो ट्राई एक बार मार सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रक का चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का जो भी भाई काम करते हैं, ट्रक जैसे ट्रक का गाड़ी वोड़ी का काम करते हैं वो देख सकते हैं। 50 आदमी चाहिए, 1400 से 1800 सैलरी है। ठीक है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट चाहिए 50 आदमी, 900 से 1100 सैलरी है। वेल्डर चाहिए 50 आदमी, 900 से 1200 सैलरी है। ठीक है, सैलरी कम है मगर कंपनी अच्छा है, कोई नया काम चालू हुआ है लगता है मेरे को, इसके लिए इतना सारा वैकेंसी आया है एक साथ। ठीक है, टर्नल चाहिए, टर्नल जो भी भाई टर्नल का काम, इलेक्ट्रीशियन है टर्नल का, वो जा सकते हैं। 1500 से 2000 इनका सैलरी है भाई लोग। ठीक है, कारपेंटर टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है, 1100 से 1700 सैलरी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो भी मैं वैकेंसी बताता हूँ इसमें या तो कोई आदमी रहता है या फ्रेशर का आदमी रहता है। ठीक है, तो हम किसी के चक्कर में पढ़ के ये सारा वीडियो नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है हमारा जो कंपनी है क्रेन का एक कंपनी है, और क्रेन हर कंपनी में लगता है, बिल्डिंग लाइन में, स्ट्रक्चर लाइन में क्रेन लगता है, तो वहाँ पर सारा आदमी काम करता है, तो हमको ज़्यादा मालूम रहता है कौन सा कंपनी कैसा है, कौन सा कंपनी अच्छा है नहीं है।
ठीक है। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैं लाइव भी दिखाता हूँ आप लोग को कि ये काम ये आदमी कर रहा है, ठीक है। ब्लॉग के जरिए मैं काम के बारे में दिखाता हूँ आप लोग को, जैसे एक हेल्पर की लाइव दिखाता हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन की लाइव दिखाता हूँ, सारा चीज मैं दिखाता हूँ। और मेरा कंपनी क्रेन का है, मैं क्रेन चलाता हूँ, मेरे आजू बाजू मेरे आसपास में कम से कम 50-60 आदमी काम करते हैं, ठीक है। एक क्रेन के नीचे कम से कम 20-25 तो नॉर्मली काम करते हैं, उसको स्ट्रक्चर देना, उसको हम लोग सरिया देता है, स्काई फोल्डिंग का सामान देता है, कारपेंटर का सामान देता है, जो भी सामान चाहिए लगभग सारा चीज क्रेन से ही हम लोग देता है, ठीक है। तो हमको उसके बारे में नॉलेज रहता है। और मैं तो अभी 4 महीने से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, इसके लिए सारा कंपनी के बारे में नहीं, मगर जहाँ तक मैं काम करता हूँ अभी सब सारे कंपनी के बारे में पता करके रख रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कंपनी कैसा है, सैलरी टाइम से देता है कि नहीं देता है, ये सारा चीजें मैं पता करके रख रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कि कौन सा कंपनी है। तो अभी 4 महीने से मैं कंपनी के बारे में पता कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ ये। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वीजा के रिलेटेड। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरबिया, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया के लिए। मास्को मल्टीनेशनल कंपनी है सऊदी में, क्लाइंट इंटरव्यू है सिवान में 10/8/2023 को, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, नंबर भी दे दूंगा। 8 घंटा ड्यूटी है, हफ्ते में 6 दिन काम है, बाकी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी आपका बोनस जोनस जो भी बनेगा वो मिलेगा। इसमें सब में 150 फ्रूट का मिलेगा, खाने का आपको 150 रियाल एक्स्ट्रा मिलेगा सैलरी के बाद, ठीक है। तो आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, यह स्क्रीनशॉट पे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी भाई सिवान यूपी से है, जिनके पास नजदीक पड़ेगा, वो एक बार ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं, ठीक है भाई लोग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ या किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ठीक है।